हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे तड़का स्वाद का के किचन में। भाई, बटरफ्लाई चिकन को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो आज एक और नई डिश लेके आ गई हूँ। इसके लिए ले लिया है मैंने फिर से बोनलेस चिकन, और इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का जूस, और इसी के साथ मैं डाल दूँगी इसमें कुटी हुई काली मिर्च, ये फ्रेश कुटी हुई मिर्च है, और सॉल्ट डाल दूँगी थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया, अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट डाल सकते हैं। एक चम्मच मैदा डाल दिया मैंने, और ये हरी मिर्च को मैंने इमाम जस्ते में कूट लिया है, और थोड़ा सा मैंने फ्रेश हरा धनिया ले लिया है, एक अंडा ले लिया है। अब इन सब को करेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। अगर आपको लगे कि बैटर आपका ढीला हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर बढ़ा सकते हैं। तो जी, बैटर मेरा अच्छे से तैयार हो गया। अब इसमें से एक एक पीस हम उठाएंगे और इसको तल लेंगे। तो साइड में मैंने अपना कढ़ाई को रख दिया तेल गरम करने, उसमें इसमें से एक एक पीस मैं निकालूंगी और अपने तल लूंगी। तो आपको तलना कैसे है, मतलब आपको छेड़ना नहीं है। ये वाइट मेरे पकोड़े जैसे तैयार हो गए हैं, इनको हल्का अभी छेड़ेंगे नहीं, हिला देंगे कढ़ाई को और फिर पलट लेंगे, तो बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर भी इसको खा सकते हैं, स्टार्टर रेसिपी बहुत अच्छी है ये। बट मैं क्या करूँगी, ये चिकन मैंने एक निकाल के देखा, देखिए चिकन तो मेरा अच्छे से पक गया है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी अंदर से और बाकी के भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, जो बाकी का बैच है उसे भी फ्राई कर लूँगी। तो मेरे बच्चे तो थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं इसमें से आके तो बचेगा नहीं। तो चलिए जल्दी से ग्रेवी भी बना लेते हैं। तो पैन में मैंने डाल दिया बटर एक बड़ा चम्मच, और इसमें मैंने दो लहसुन की कलियाँ ली हैं और छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लिया, उसे अच्छे से छोटा छोटा काट के इसको फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध, दूध के साथ मैं डाल दूँगी मेरे पास क्रीम है, अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई को लेके अच्छे से फेंट के इसमें डाल सकते हैं। और जी, अब क्या डलेगा, मेरा आपका सबका फेवरेट चीज़। जी, ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, बच्चे इसको टूट के खाते हैं। इस वाली डिश को बहुत पसंद है। मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, काली मिर्च ले ली है मैंने थोड़ी सी कुटी हुई, आप चाहें तो जरा सा दखनी मिर्च सफ़ेद वाली जो होती है वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मामूली सा मैंने नमक डाला है, तो नमक अगर आप ना भी चाहें तो नहीं भी डालें, क्योंकि चीज़ में नमक ऑलरेडी होता है। तो इसमें एक अब बॉयल आने देंगे, बॉयल आने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम अपने पीसेस को डाल देंगे चिकन के जो हमने फ्राई करे थे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी इसको खा सकते हैं, आप उतने स्टेज पे ही इसको रोक सकते हैं, या फिर आप एक बारी ग्रेवी के साथ भी ट्राई करिएगा तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जी, ये पक चुका है, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप जो इतना सारा प्यार मुझे दे रहे हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अपना प्यार और साथ मेरा ऐसे मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन प्यारी प्यारी डिशेस लेके आऊँ, लेके आती रहूँ। तो अगर आपको मेरी ये चिकन की रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा।